नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष और एक बार आपके सामने। कैसे हैं आप लोग? खुश तो होंगे। कई लोगों की मौत हो रही है ना। समझ में कुछ आ रहा है आपके? एक डेढ़ महीने पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वक्त मैंने आपको क्या कहा था कि आने वाले दिनों में ये जो मौत का सिलसिला है ये बढ़ेगी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। मैंने ये कहा था आपको। हो रहा है आज वो? खुश हैं आप लोग? कितनी बार आपको तागीद करना पड़ रहा है कि आप लोग जो डर रहे हैं ना, वो डर ही आपके मौत का कारण है। कोई कोरोना नहीं, वो डर ही आपके मौत का कारण है। और आने वाले दिनों में अगर अभी भी आप लोग नहीं सुधरेंगे तो ये मौत का सिलसिला और बढ़ता चला जाएगा। मैं प्रशासन को भी, मैं सरकार को भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है, उसके कारण ही उनकी मौत हो रही है। आप चाहे कितना भी कुछ कर ले, इसका कोई सुधार नहीं होने वाला जब तक आप लोगों के मन से वो भय नहीं उतारेंगे। क्योंकि आप जिस प्रोसेस से लेकर लोगों को डाल रहे हैं, वो उनके मन में भय पैदा कर रहा है, छुआछूत की बीमारी पैदा कर रहा है, वही उनकी जान ले रहा है। ये आप लोगों को समझना चाहिए। आप कितना हाथ पांव मार ले, इस मौत के तांडव को रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते आप उसको। क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ गया है। किसी को कभी भी कोई बुखार हो, उसके मन में ये भय पैदा हो जाता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए। अगर कोई सरकारी अफसर को इसको पता चल जाए, वो उसका टेस्ट करे, उसका कोरोना पॉजिटिव आ जाए और वो उसको डाल देंगे मौत के घर में। कहाँ? मौत के घर में, जहाँ जाने को सब डर रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पर जाने के बाद ही लोगों की मौत हो रही है। न जाने कितने लोग जिनका कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ, वो हो गया कोरोना, उनका ठीक भी हो गया है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कई है, क्योंकि जितने पॉपुलेशन है उसने तो किट नहीं है, उतना तो टेस्ट आपने नहीं किया, इसका मतलब क्या उनको कोरोना नहीं हुआ? हो सकता है उनको होकर, क्या पता ठीक भी हो गया है, लेकिन वो आज जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनके मन में भय नहीं था। वो आपके जो मौत के जो घर में वो नहीं गए, लोगों के मन में भय है जिसके कारण उनकी मौत हो रही है। मैं कल का एक न्यूज़ देख रहा था, शायद कनक संवाद है, न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पर बताया जा रहा था कि सरकारी अफसरों को लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जब वो घर में जाकर उनको टेस्ट कराने के लिए कर रहे हैं, वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई? आप जब डराएंगे किसी को, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर वहाँ पर डिटेक्ट हो गया तो उनको डाल दिया जाएगा पिंजरे में, तो ये क्यों कोऑपरेट करेंगे? लोगों को इस हालात में आपको समझाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जिसको भी कोई भी बुखार हो, चाहे कोरोना हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कोई भी हो, उसके बॉडी के इम्यूनिटी आपको पता है, सबको पता है, फिर भी आप लोग छुपा रहे हैं, लोगों की मौत बस देख रहे हैं, आंखें मूंद करके इसको कर रहे हैं। आप सबको पता है कि अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो क्या क्या करनी चाहिए, हर जगह पर अवेलेबल है। तो आप क्यों लोगों को सचेतन नहीं कर रहे हैं कि ये करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ नहीं करना, टेस्ट कर लेना कुछ लोगों को भेजकर, और वो भी दो हाथ तीन हाथ की दूरी पर वो टेस्ट कर रहे हैं, और कोरोना पॉजिटिव उनका आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, स्वाब टेस्ट में कोई पॉजिटिव आ गया, तो उसका तो खेल ख़त्म, सारी सोसाइटी उसके दुश्मन बन जाती है। ये किसने पैदा किया भाई, ये किसने पैदा किया? उसको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि वो चाहे कोई बड़ा क्रिमिनल हो, 100 लोगों की मर्डर कर चुका हो, उसको ऐसी नज़र से देखा जाता है। जब किसी इंसान को कोरोना पॉजिटिव होता है, उसको किस नज़र से देखा जाता है आपको पता है? उसको ऐसी ही नज़र से देखा जाता है कि वो बड़ा क्रिमिनल हो, बड़ा, बहुत बड़ा मर्डर कर चुका हो, उसको ऐसी नज़र से देखा जाता है, उसको छुआछूत की बीमारी बना दी जाती है। तभी जाकर वो जो दिमागी तौर से जो टॉर्चर होता है, उसकी मौत होती है, उसके बाद उसको फिर डाल दिया जाता है आपके कोविड हॉस्पिटल में। वहाँ पर जो वो हालात देखता है, लोगों की जो कहकर देखता है, जो अपने
आसपास जो सिचुएशन देखता है उसका इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाता है। आपको ये चीज समझनी चाहिए, इसके नाम से ही लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है। जिस तरह से भय आपने पैदा किया है, लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उसी के कारण उनकी मौत हो रही है। और आने वाले दिनों में अब और भी होगा अगर आप अभी भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं करेंगे। लोगों के मन से सबसे पहले भय दूर करिए आप, तभी जाकर ये सक्सेस होगा, ये मौत का सिलसिला कम होगा और ये कोरोना दूर होगा। वरना कुछ नहीं हो पाएगा। कितने भी आप लॉकडाउन कर लो, कितने भी आप शटडाउन कर लो, चाहे 10 साल आप शटडाउन कर लो, लोग भूख से मरेंगे लेकिन किसी को आप बचा नहीं पाएंगे, किसी को बचा नहीं पाएंगे आप लोग। सब मरेंगे, कोई भूख से मरेगा, कोई स्ट्रेस में आकर आत्महत्या करेगा, कोई बीमारी से डर डर कर मरेगा, लेकिन सब मरेंगे। आपके ये गलत जो चीज़ कर रहे हैं इसके लिए सब मरेंगे। लोगों की इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप हो उसके बारे में आप लोगों को सचेतन कराइए, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। आपके पास मीडिया है, सब कुछ है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। चाहे आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें, चाहे आप आयुर्वेदा का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि क्या क्या चीज़ करने से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है। कितने लोगों को पता है भाई, कितने लोगों को पता है? अब वो करिए ना, जिनको एसिम्प्टोमेटिकली सिचुएशन है और उनका पॉजिटिव आया है, उनको आप करिए, उनको आप होम क्वारंटाइन करिए, उनको बोलिए कि आप ये चीज़ करिए, उनको सचेतन कराइए। एक लेवल लगा दिया जाता है कि आप एक कोरोना पॉजिटिव हो, तो लोगों के पूरे जो सोसाइटी के मन में उनके खिलाफ एक ऐसी दुष्मानसिकता पैदा हो जाती है, यही उनके इम्यूनिटी डाउन करता है और उनकी मौत का कारण बनता है। आपको ये फंडामेंटल चीज़ समझनी चाहिए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, ये जो मौत का सिलसिला है आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आज भी मैं कह रहा हूँ, 1-1.5 महीने पहले मैंने यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ। अगर अभी भी आपकी आँख नहीं खुली तो कुछ नहीं होगा, बस लाशें ही लाशें होंगे चारों तरफ, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोग कह चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी आँखें नहीं खुल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।